नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि इस चीज को अगर आप सीख गए ना तो हर मार्केट में पैसा बनाओगे। जो भी शेयर मार्केट में नए आते हैं या बिगिनर्स है या फिर आपको इंटरमीडिएट है तो भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है तो आप उसका आंसर क्या दोगे, कमेंट बॉक्स में बता के बताइए कमेंट बॉक्स में कि जल्दी से क्या आंसर देना चाहेंगे आप। देखिए, कोई भी चीज या कोई भी मार्केट का जो भी हो उसकी प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो सकती है, जब उसकी प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो सकेगा, ये बताइए। गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ेगी? अगर उसका कोई लेने वाला या कोई बेचने वाला नहीं होगा तो क्यों बढ़ेगी? आज गोल्ड इतना महंगा है क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है जबकि सप्लाई बहुत कम है। ऐसा अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती, जैसे अभी लोहा है तो लोहा आपको आसपास सब जगह मिल जाएगा, लोहे की प्राइस है देख लो आप कितनी, 100 रुपए किलो होगी, लेकिन ये 100 रुपए 50 लाख रुपए किलो, 50 लाख के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप। तो किसी भी चीज की जितनी ज्यादा मांग बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई में क्या होता है, जितनी ज्यादा उसका आपूर्ति होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है, यही होता है ना। तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो एक कंप्लीट कोर्स बताने वाला हूँ सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे, जिसमें कि आप यूज करके अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसी चीज का यूज करके आप, और रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, कहाँ पे आपको यूज करना है हर एक चीज, मैं पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और जो भी बिगिनर्स हैं, नए हैं, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से धीरे धीरे आप और भी ज्यादा सीखते जाओ। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसमें कि हम यूज करने वाले हैं। इसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इक्विटी ट्रेडिंग जो भी आप शेयर को खरीदते बेचते हो वहां पे भी कर सकते हो, करेंसी के अंदर कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट जो कि है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट के अंदर और बाइनरी ऑप्शंस के अंदर, सब जगह आप इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि डिमांड और सप्लाई तो हर जगह बढ़ेगी घटेगी तभी तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। अगर सिर्फ डिमांड है प्राइस ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी नहीं, और अगर सिर्फ सप्लाई है तो प्राइस नीचे रहेगी ऊपर नहीं आएगी। तो एक जो रेशो होता है ना वो रेशो चलता रहता है कि कभी डिमांड बढ़ेगी कभी सप्लाई, तो उससे गिरावट और तेजी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इसका सब जगह यूज कर सकते हैं। और शेयर मार्केट अगर आपको कोई पूछे कि ये काम कैसे करता है तो उसका सिंपल सी चीज है सप्लाई और डिमांड। किसी भी कंपनी में तेजी आएगी या तो उसके शेयरों में कोई अच्छी न्यूज है तो उसके लोग खरीदेंगे ज्यादा और उससे तेजी आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर बिगिनर्स और हर नए लोग के आसपास चलते हैं। सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता लगाना है कि यार यहाँ से शेयर में ऊपर जाने की संभावनाएं है, ये डिमांड एरिया है, ये सप्लाई एरिया है, ठीक है, आपको भी ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढोगे इस चीज का भी आंसर दूंगा मैं। कैसे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मतलब सप्लाई बेस के अंदर या डिमांड के ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो कैसे हमें वो अपनी पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। कौन सी टाइम फ्रेम में हमें यूज करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग के लिए कौन सी टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगी, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी टाइम फ्रेम अच्छी रहेगी, है ना। तो हर एक चीज का आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो इधर जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर एक के पास पहुंच सके और वो भी सीख कर पैसा कमा सके। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन, यानी कि सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है। देखिए, सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ज्यादा होना, ठीक है, डिमांड का मतलब किसी भी चीज के खरीददार ज्यादा होना। अब इसका आंसर मैं देता हूं, मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, आज ये गोल्ड है इसकी प्राइस कितनी ज्यादा है, ठीक नहीं, तो गोल्ड की पूर्ति तो कम है, मतलब कि ये लिमिटेड है, ठीक है। अगर लिमिटेड होने के कारण क्या हुआ कि इसकी डिमांड में और भी ज्यादा तेजी आई, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर कम होगी तो उसके लिए बायर ज्यादा हो जाएंगे, बायर ज्यादा होने से क्या हुआ है डिमांड इसकी बढ़ती गई, और एक ये अच्छी प्रीशियस मेटल भी है तो इसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप उसकी बात करो लोहे की, आयरन की बात करो आप लोहे की, तो देख सकते हो कि क्या प्राइस है, एक
के 80 रुपए किलो है ना, तो उसकी सप्लाई ज्यादा है। अगर आप इनको एक्सचेंज करो कि यहाँ पे यार गोल्ड नहीं और लोहा होता जिसकी कीमत 50 लाख रुपए चल रही है, और सोना बहुत ही ज्यादा होता जिसकी कीमत 80 रुपए चल रही होती, क्या फर्क है इनमें बताइए। तो जिस भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है और उसमें आप देख सकते हो कि वो लिमिटेड है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन से ये पता चलता है मार्केट के अंदर कि कहाँ से इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और कहाँ से इसकी सेलिंग होने वाली है। क्योंकि देखिए लोग है ना कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट भी बुक करते हैं, शेयर में हर चीज को होता रहता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी शेयर है उसमें बाइंग आई यानी कि उसमें एक डिमांड आई। पहला हमने यहाँ पे जोन एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक ही रेंज के अंदर कोई अगर शेयर चल रहा है ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। यानी कि मान लो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक ही रेंज थी ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही रेंज दी, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप देखते होंगे यार इस शेयर में तेजी आई है उसके बाद वो एक ही जगह ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो इसमें बायर एड हो रहे हैं या फिर सेलर एड हो रहे हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन नहीं करता है तो फिर बाइंग सेलिंग आएगी कैसे? अच्छी तेजी के बाद अगर ये एक्यूमुलेशन चल रहा है जिसमें कि बायर और सेलर एक ही जगह पे यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर का जोन है इसको बोलते हैं हम सप्लाई एरिया, क्योंकि इसके आसपास आता है और यहाँ से गिर जाता है। और जो इस जगह का एरिया इसको बोलते हैं हम डिमांड जोन, ठीक है, जहाँ से कि बाइंग आती है। अब देखिए और कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है ठीक है, यानी कि सप्लाई एरिया को अगर तोड़ देता है ये, तो वो सप्लाई एरिया इसका बन जाता है डिमांड जोन। मतलब जो कि पहले सप्लाई जोन था, अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता तो ये वापस डिमांड जोन बन जाता था। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है ये समझना है आपको। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, जो भी यहाँ पे ये एरिया है उसको हम मार्क करते हैं, इसमें हम जोन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम हर जगह पे इस प्रकार से सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं लाइनें बना के। इसमें आपको एक तो जोन से क्रिएट करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और वैसे बेसिकली मानो बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा और इसी प्रकार सप्लाई एरिया से भी मार्केट गिरेगा। तो वो दोनों अलग अलग तरीके हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन को उसको पता करने का, ठीक है, कि यार शेयर में कहाँ पे बिकवाली हो सकती है और कहाँ पे खरीदारी हो सकती है, इसी चीज को पता लगाने के लिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कोई भी शेयर में अच्छी तेजी आई, ठीक है, तेजी के बाद वापस क्या हुआ, एक्यूमुलेशन चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे सप्लाई डिमांड, तो यहाँ पे कौन हुए, सेलर ज्यादा हो गए, क्यों? क्योंकि इस साइड में ब्रेक डाउन कर दिया इसने। अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करता तो इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती और उसके बाद वापस किसी भी साइड ब्रेकआउट होता। तो जिस भी साइड अगर सप्लाई डिमांड से निकलता है उस साइड पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सेलिंग साइड की ट्रेड ले सकते थे, उसके बाद देखिए गिरा अगेन, इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो ये क्या है, यह है एक एक्यूमुलेशन, वापस वही बात हुई, एक्यूमुलेशन मतलब कि धीरे धीरे या तो बाइंग हो रही है यहाँ पे या फिर सेलिंग हो रही है। इसका पता तभी लगेगा जब किसी भी साइड ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो जब भी ब्रेकआउट होता है हमें बाइंग का मौका मिलता है और हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर जब भी ब्रेकडाउन हो तो कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं। इसके बीच रहता है तो क्या करना है, इस प्रकार के जोन के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो जिसमें कि हमें मार्केट कंसोलिडेशन ही चाहिए। सेकंड चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये 10 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे आए आपने शॉर्ट किया, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 4-5 रुपए का टारगेट लेके निकल गए, तो इस बीच स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस बीच स्विंग टारगेट कर सकते हो, बड़ी बड़ी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक चीज का आप फायदा उठा सकते हो सप्लाई एंड डिमांड तो सिर्फ पता करने से। मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड भी बताऊंगा जो कि मैंने ली थी, और यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे ये एक शेयर है, देखिए इस शेयर ने यहाँ से गिरावट उठाई, उसके पास वापस भेजी और इस जगह पे क्या किया, इस जगह पे एक सप्लाई जोन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से जब वापस गिरा ये, तो अब देखिए इसी जगह पे आने के बाद ये वापस गिर गया है इसे। ठीक है,
तो जब भी ऐसा होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और स्केल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए, ये जहां जहां से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं हम डिमांड जोन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी शेयर है, वो मान लो कि 100 रुपए का है। ठीक है, अब 100 रुपए के शेयर के अंदर यहाँ पे देखिए, ये 100 का है, ये गया 150। 150 पे जाने के बाद इसमें क्या हुआ है, सेलिंग स्टार्ट हुई। तो ये 150 से मान लीजिए वापस आ गया 100 पे, वापस गया 150 पे, तो यहाँ पे अब की बार क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसी जगह से ये गिरेगा। और यहाँ पे आप कोई भी प्राइस एक्शन देख सकते हो कि यार यहाँ पे देखिए इस प्रकार का कोई डोजी बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है, तो वहां पे आप सेल कर सकते हो, या फिर हमारे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनका यूज करके भी आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अच्छा एक मौका मिलता था, वापस शेयर आ गया। और ये जो जोन है यह बन चुका है अब डिमांड, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आया तो इस जगह से ये ऊपर उठा था, इस जगह से ऊपर उठा था तो वापस इसी जगह पे गया। अब इस जगह वापस आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, कोई भी अच्छी कैंडल स्टिक देख के, प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे वापस आए आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर 2-3 बार ये आ चुका है तो उसके बाद आपको सेलिंग नहीं करनी है। दो या फर्स्ट बार यहाँ पे कर सकते हो, सेकंड बार यहाँ पे कर सकते हो। देखिए देखिए क्या हुआ, पहली बार यहाँ से रिजेक्शन मिला, सेकंड बार ये कंफर्म हो चुका है, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, ये एक डिमांड जोन है। इस रेंज या तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे कुछ स्केल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम कोशिश करने के बाद अगर पूरे दिन इसी रेंज में फंस गया या हर बार इसी तरह हो गया तो यार ये तो कभी ब्रेकआउट देगा ही नहीं और कभी शेयर ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बायर सेलर में जीता कौन, बायर जीते, ब्रेकआउट हुआ। इस प्रकार आप जब भी ब्रेकआउट हो बाई कर सकते हो, और जो टारगेट होगा वो आपका नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा। इसको मैं आपको और चार्ट में जाके समझाऊंगा जो कि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कितने प्रकार के और टाइप्स क्या क्या होते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के। तो गाइस, मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में दोनों में चलता है, तो दो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है जिनके बारे में बताता हूँ। एक तो ट्रेंड कंटिन्यूस बेस होता है, ठीक है, जो कि देखिए आप इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, और ये है लो वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रैली के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब होता है कि गिरा, फिर एक बेस बनाया और फिर गिरा, ये है रैली बेस रैली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक तेजी आई, तेजी के बाद एक्यूमुलेशन चला, एक्यूमुलेशन के बाद एक वापस तेजी आई, वापस इसने रिटेस्ट किया इसी जगह पे, फिर अब ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर सा और समझा देता हूँ। देखिए, सप्लाई डिमांड जोन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो एक ड्रॉप बेस, यानी कि गिर रहा है, गिरने के बाद कुछ तेजी देखने को मिलेगी, कुछ एक्यूमुलेशन होगा, और उस जगह से भी ये वापस एक फॉल एंड फ्लैट पैटर्न बना के गिर जाएगा। ठीक है, अगर तेजी आनी है तो मार्केट ने एक तेजी दिखाई, उसके बाद ये डिमांड एरिया के आसपास या फिर सप्लाई एरिया के आसपास, देखिए अगर ये गिरा, इस जोन को बोलेंगे सप्लाई एरिया के आसपास ये कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई एरिया के पास कंसोलिडेशन करने का मतलब है कि इसके अंदर सेलर एड हो रहे हैं। अगर यही एक तेजी के बाद किस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, डिमांड जोन के आसपास, तो फिर इसमें तेजी आने के चांस है। इसी के बेस पे हमने ट्रेड ली थी दोस्तों पॉलीकैब की, जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बना था। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको सीखने और समझने को मिल रहे हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कि कौन सी टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको 30 मिनट की, 1 घंटे की और 1 दिन की, इन तीनों टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हो। 1 दिन की आप देखते हो तो आपको एक अच्छा पैटर्न देखना चाहिए, 1 घंटे के अंदर देखते हो तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल देखना चाहिए, 30 मिनट में आप एंट्री पता कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्विंग ट्रेड के लिए इन तीनों समय में बहुत ही बेहतर पैसा बनेगा और टारगेट भी आपका अच्छा अच्छी हो जाएगा।
इंट्राडे की बात करें गाइस, तो आपको 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको 1 मिनट की ट्रेड पे काम नहीं करना है, 5 मिनट में और 15 मिनट में आपको काम करना है, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छी और वैलिडेशन वाली हमारा वो है। पोजिशनल टाइम फ्रेम की बात करें, जिसमें कि आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए या फिर 6 महीने के लिए, उसके लिए आपको 1 दिन का कैंडल स्टिक देखना है, एक हफ्ते का देखना है, 1 महीने का देखना है, ठीक है। तो इन सबको देखने के बाद क्या होगा कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, 1 हफ्ते में मार्केट कैसा चल रहा है, 1 महीने में कैसे चल रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने 1 दिन की कैंडल देखी, आपने इन्वेस्ट कर दिया यार, आज तो तेजी है, लेकिन अगर आप उसका ट्रेंड पता करो, ठीक है, और 1 वीक की कैंडल लगाओ और आपको ये पता चलेगी यार इसका तो इतना ट्रेंड ही, ये तो लोअर साइड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में, तो फिर इसीलिए आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पोजिशनल जो भी ट्रेड लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए ये कैंडल स्टिक पर ट्रेड को देखना जरूरी है, 1 दिन की, 1 हफ्ते की, 1 महीने की। स्विंग ट्रेड के लिए ये नॉर्मल है, जिसको आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टारगेट स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट की, और मैं आगे आपको समझाऊंगा चार्ट पे जाके कैसे पता करना है, डोंट वरी, सब कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हाउ टू सेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस विथ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस क्या काम करता है कि आपको लॉस होने से बचाता है। 100% राइट नहीं हो सकते हो, 100% ये भी नहीं एक सप्लाई जोन, ये ऐसा है कि यार यहीं से जाएगा। अगर आपने मल्टीपल टाइम टच कर दिया है और आपने गलती से ट्रेड ले लिया है तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्विंग ट्रेड में और इंट्राडे में कैसे स्टॉप लॉस को हमें मैनेज करना चाहिए, कैसे टारगेट मैनेज करना चाहिए, वो सब कुछ बताऊंगा। देखिए, अगर आप कोई इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले रहे हो सप्लाई और डिमांड के बेस पे, तो उसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक सप्लाई डिमांड के अंदर एक्यूमुलेशन किया और ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए में मेरी रिस्क कितनी रह सकती है और टारगेट कितना रह सकता है, ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है, अलग अलग आप यूज कर सकते हो। मिनिमम इतना टारगेट होना चाहिए 1.5 का, और आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के आसपास टारगेट भी रख सकते हो मिनिमम, जो कि है ना आपको एक विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है कि यार 10 में से आप ज्यादा बार प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये आसानी से अचीव हो जाता है। मान लीजिए कोई भी शेयर है जिसमें कि मैंने 100 रुपये में उसको खरीदा है, अब मैं उसकी 5 रुपये में क्या कर रहा हूँ, लॉस लेना चाहता हूँ कि यार उसके 5% मेरे को लॉस हो, उससे ज्यादा नहीं हो, ठीक है यार। अच्छा, ब्रेकआउट हो गया है, अच्छी जगह पे भी है, बट 100 वही बात है, हम सही हैं या गलत मार्केट हमें बताता है, हम तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, चार्ट वगैरह देख लिया, चलो सप्लाई डिमांड जोन बना दिया, सब कुछ सही है, पर गलत रहने के चांस भी होते हैं, 100% कोई नहीं होता है, ठीक है। तो हमने 5% की रिस्क ली है, यानी कि 5,000 रुपये, मैंने 1 लाख रुपये लगाए, 5,000 की रिस्क। तो अब मेरे को प्रॉफिट कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना टारगेट रखना चाहिए। मिनिमम टारगेट की बात करूँ तो 1.5 और हाईएस्ट आप 3 तक भी रख सकते हो, और आगे आप अपनी इच्छा से देख सकते हो, पर लगभग आपको यहाँ पे 7,500 का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और 1:2 की बात करें तो इंट्राडे में देखिए 1:2 मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप रख भी सकते हो। अगर ऑप्शन फ्यूचर के अंदर बात करूँ तो आप वहाँ पे अच्छा टारगेट एक एक दिन में मिल जाते हैं, 1:5, 10 भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप 1:2 रख सकते हो। जैसे कि 1 लाख लगाएं, अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें एग्जिट कर जाना है, ठीक है, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हो, स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाते हो, तो वो सब कुछ अलग अलग इसके एस्पेक्ट है। पर इस प्रकार से आपको रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट, स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। स्विंग ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो स्विंग ट्रेड में मान लीजिए किसी शेयर में ब्रेकआउट हुआ है और आपने ट्रेड ली है, ठीक है, इसमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप मान लो इसमें कि 1,000 की रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो 1,000 की रिस्क के बदले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2,000 रुपये और 3,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आपको रिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करना है और अच्छे से पैसा कमाना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पोजिशन बता देता हूँ कि देखिए किस प्रकार से इसका यूज करना है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे रेणुका शुगर के अंदर पॉइजन बनाई थी, 1189 क्वांटिटी, 52 रुपए की प्राइस पे खरीदा था। ठीक है, मैं आगे चार्ट में समझाऊंगा मैंने क्यों खरीदा था, डिमांड एंड सप्लाई के बेस में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए जो मेरा लॉस चल रहा था लगभग 4-4.5%, 2800 रुपये के आसपास। इसी पोजीशन को कुछ दिन बाद मैंने एग्जिट किया था, जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था दोस्तों। तो रेणुका शुगर के अंदर मेरा टारगेट हिट हुआ, 60 रुपये की प्राइस के आसपास में एग्जिट हो गया और 9000 रुपये का मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे शेयर इंडिया की बात करें तो शेयर इंडिया में भी काफ़ी अच्छी पोजिशन थी यहाँ पे 9000 रुपये की। ठीक है, और आज यहाँ पे देखिए कि मार्केट में क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे वीकनेस थी, तो अब मैं वापस इसी पोजीशन से प्रॉफिट में चला जाऊँगा क्योंकि इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो आपको सप्लाई डिमांड जोन पता करने से एक वो टेंशन भी नहीं रहती है, और रिस्क लेने में आपको क्या है कि वो रिस्क मैनेजमेंट समझ के तो आपको रिस्क लेने में भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से स्विंग ट्रेड का ये मेरा सब स्विंग ट्रेड की प्लानिंग है, और मैं स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ ये आपको जो कि मैंने ली है और इनमें मेरा प्रॉफिट है भी। ठीक है, और ये जो ब्रोकर है वो है अपस्टॉक्स, जिसमें कि आपको काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और जीरो ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। यानी कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए आपको AMC चार्ज फ्री होगा। तो आप जल्दी से जाके इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें कि हमें यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट करना है और देखना है। ये है गाइज शेयर इंडिया लिमिटेड का, जिसमें कि अभी हाल ही में ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। चलिए मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे हमने सारी पोजीशंस रिमूव कर दी। अब आप कैसे पता लगाओगे कि यार कहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन है? तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल जो कि इस प्रकार का एक जोन क्रिएट करने का काम आता है, इसको लेना है। ठीक है, अब आपको उस जगह पे लगाना है जहां से शेयर में गिरावट आ जाती है या फिर तेजी आ जाती है। यहाँ पे शेयर गिरा, देखिए गिरने के बाद ऊपर आया, तो ये इसका स्विंग है। ठीक है, ये क्या बन चुका है, ये इसका है रेजिस्टेंस है, और क्या बन चुका है, ये इसका सप्लाई। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, या तो आप जो ऊपर जाने से रोकता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहां पे सेलर बैठे होते हैं उसको सप्लाई बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट ये कुछ सिमिलर है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करो या सप्लाई करो, पर मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट करोगे। आप नए हो, रेजिस्टेंस में क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट के चांस ज्यादा होते हैं, इससे कि आपको एक जोन क्लियर रह जाता है कि हाँ यार इस और इस रेंज के अंदर है, तो इससे कि आपको थोड़े रिस्क मैनेजमेंट सही रहती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आपको जोन क्रिएट करना है। देखिए मार्केट गिरा, गिरने के बाद इसने ये पहला स्विंग बनाया, यहाँ से वापस गिरने लग गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी मार्केट गिरता है इस प्रकार से गिरा, फिर इसमें एक्यूमुलेशन चलता है कि नहीं चलता है, चलता है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, इसका मतलब और गिरेगा। ठीक है, तो ये वैली ड्रॉप यानी कि गिरा, बेस यानी एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अगेन गिरा। ठीक है, इस प्रकार इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या बोलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं। सेकंड हमारा कौन सा है, ऊपर गया एक बेस बनाया ब्रेकआउट दिया, तो इसको बोलते हैं रैली बेस रैली सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। अभी तक चैनल को आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो गाइस कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे यदि गिर गया, अब देखिए इस जगह पे आप पता करो तो यहाँ पे एक इस जगह से गिरावट आई, इसमें इसी जगह से अगेन गिरावट आई, तो नेक्स्ट टाइम आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, को जोन में क्रिएट कर सकते हो। और जब भी यहाँ पे आया, देखिए गिरा, वापस आया, यहाँ पे गिरा, गिरा कि नहीं गिरा, तो इस प्रकार से आप इसमें स्केल्पिंग का प्लान भी बना सकते थे। अब आपको लेना है ये रेक्टेंगल, इस जगह पे जाके इसको कर देना है ड्रॉ। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको ड्रॉ। अब देखिए अब मार्केट गिरा कहाँ तक था, इस जगह पे बाइंग आई थी,
उठा वापस इसी जगह पे गया और यहां से देखिए तेजी आई, वापस देखिए इस प्रकार से गया, वापस इस जगह पे आई, पर अब की बार क्या हुआ यहाँ आया नहीं, क्यों? क्योंकि बुलिश प्राइस एक्शन शुरू हो गया था। यहाँ पे देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में थोड़ा बहुत गया और जहां से ये पिछली बार रुका था यहाँ पे देखिए तेजी ऊपर की तरफ जाने से रुका था, उसी जगह पे आके अगेन दो बार गिर गया, तो यहाँ पे वापस अगेन ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसने बनाया है अपना रैली का बेस, यहाँ से स्टार्ट की इसने तेजी, तेजी बनाने के बाद इसने एक रैली स्टार्ट की, तो यहाँ पे इसने बेस बनाया। तो आप कहाँ पे खरीद सकते हो? 1330 के आसपास खरीद सकते हो। टारगेट कौन सा होगा? टारगेट होगा नियरेस्ट आपका ये स्विंग, क्योंकि इसी स्विंग से ये गिरा था, तो अब जब भी ये वापस इस जगह पे जाएगा यहाँ से ये गिरने लग जाएगा, इस जगह पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक जोन और क्रिएट करके बता देता हूँ। देखिए इस जगह पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो इस प्रकार से, जब भी ये यहाँ पे आएगा क्या होगा, यहाँ से गिरावट होगी, वापस आप इस रेंज को मार्क कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ रेणुका शुगर के अंदर मैंने पोजीशन क्यों बनाई थी। रेणुका शुगर के अंदर भी देखिए सप्लाई डिमांड जोन ये कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको इसको हटा देता हूँ फिर समझा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए कि शेयर यहाँ से गिरा था, ठीक है, कहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो इस जगह पे इसका स्विंग हो गया, इसको आपको मार्क कर देना है कि इस जगह पे गिरा है। ठीक है, अब आप देखो कि आगे जाके है ना इसी जगह से वापस गिरा होगा। चलिए इस जगह पे आया, यहाँ पे क्या है, यहाँ से इस शेयर में तेजी आई है, वापस गिरा, वापस इसी जगह से तेजी आई है, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको ड्रॉ कर देना है और एक रेंज बना के छोड़ देना है। तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करने वाला हूँ, एक तो ये जगह है, ठीक है, चलो एक है ये जगह, ठीक है, ये हमारी एक हो गई है रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा सप्लाई एंड जोन। अब यहाँ पे माइक्रो मैक्रो छोटे छोटे भी होंगे ना, देखो इस प्रकार से ये छोटे छोटे भी सप्लाई डिमांड जोन है। ठीक है, कोई भी चीज बड़ी होगी तो छोटी भी होगी यहाँ पे, तो ये तो एक हमने निकाली, ये है एक बड़ी रेंज है। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है, देखो ये यहाँ से लगा के इतनी बड़ी रेंज है ना, इसमें हम छोटा जोन क्रिएट करने वाले हैं। छोटे जोन को आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है हमारा छोटा डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, अब देखिए ये जब भी यहाँ पे आता है यहाँ पे सेलिंग आती है, कभी कभी इसमें फॉल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेकडाउन, क्योंकि ये माइक्रो है बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रेप कर दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से ये जब भी आए तो आपको बाइंग सेलिंग कब करनी है, जब कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखे, ऐसे नहीं जाके एंटर कर दिए और वाह यार भाई यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा और गिरा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए प्रॉपर आप पता लगाइए जहां से गिरा था वहां पे क्या हो रहा था। ठीक है, वहां पे कोई ना कोई तो प्राइस एक्शन बन ही रहा है। ठीक है, अब गाइस यहां पे सिंपल सी चीज है, सप्लाई डिमांड जोन का आपको इसमें पता है, पर ये पता कीजिए देखो मार्केट के अगर ऊपर ये निकल देता है, यहाँ पे क्या बनाया इसने एक बेस बनाया। ठीक है, इसी रेंज के बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ, फॉल्स हुआ, इसी जगह कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। ठीक है, मतलब इसके अगले दिन, हाँ यहाँ पे मैंने बाई किया था, फिर मेरा कुछ 48 पे गया लॉस हो रहा था, उसके दूसरे दिन 14% अप था। इस प्रकार से क्या आएगी, आप देख सकते हो मार्केट काम करता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज़ करना चाहते हो तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। और पॉलीकैप के दिन कल के दिन मैंने ट्रेड दी थी दोस्तों, देखिए बार बार मार्केट जहाँ से गिर रहा है को क्या है, वो है हमारा सप्लाई एरिया, यानी कि वहां से इसकी डिमांड खत्म हो जाती है, जहां से बढ़ रहा है वो है हमारा डिमांड एरिया, जहां से इसमें बायर एड हो जाते हैं। और अगर बात करें तो ये इस प्रकार की रेंज में चल रहा था, जब भी किसी रेंज में जिस भी तरफ निकलता है उस रेंज की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसने कौन सा
सप्लाई एरिया को ब्रेक किया है, सप्लाई एरिया अब इसके लिए डिमांड बन चुका है। तो जब भी इस प्राइस पे ये गिर कर वापस आएगा तो इसमें डिमांड आ जाएगी और ये शेयर वापस यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाने लग जाएगा। इसके अंदर हमने ट्रेड दी थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसी जगह पे, और हमारा जो यहाँ पे टारगेट था वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, ठीक है, और इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत पॉइंट का हमारा टारगेट बच गया, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा हमें टारगेट मिल गया बहुत ही जल्दी, 8 से 9% के आसपास देखिए, 8% का टारगेट इसमें मिल गया, वो भी 2 दिन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा निफ्टी 50, और ये कुछ मैंने ड्रॉ कर की है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए भी आप चार्ट पैटर्न का लिंक है वहाँ पे, और वहाँ पे देख सकते हो आप हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा है कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, वो भी आपको सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं निफ्टी 50 को ड्रॉ करके बताता हूँ इसमें कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है। एक मिनट, चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं है बोलिए, मज़ा आया आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आया कि नहीं आया मज़ा। यहाँ पे देखिए गाइस इस जगह से क्या हुआ है, गिरा इस जगह से, थोड़ा ऊपर जाके गिरा, इस जगह पे आता है तो इसमें बाइंग आ जाती है, देखिए वापस आया इस जगह पे और इसी जगह पे ये गिरा, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम में समझाता हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा ही हो रहा है। चलिए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, गिरते हुए आया इस जगह पे और यहाँ से इसमें वापस आई बाइंग, ऊपर गया वापस आया वापस इसमें बाइंग आई, तो ये हमें पता चल गया यार इस जगह पे जब ये आ रहा है तो इस जगह पे ये आ रहा है तो ये कौन सा डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ से इसमें बाइंग आ रही है जब भी वापस यहाँ पे आया ये डिमांड जोन है, एक तो यहाँ पे इस प्रकार का हमारा जोन क्रिएट हो जाएगा, एक प्रकार का यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ही रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको जोन में गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इसको आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप एक बार लेवल को प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए गाइस, जब तक आप सीखोगे नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्या है कि कन्फ्यूजन रहेगी। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं पैसा बनाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, पर ये क्या है कि यहाँ पे, हाँ चलो मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। वन डे कैंडल गाइस इस जगह से मार्केट गिरा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस जगह से गिरा, फिर एक बेस बनाया, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ और गिरने लग गया, गिरते गिरते यहाँ पे आ गया, इसी जगह से इसमें आई बाइंग, बाइंग के बाद वापस इसमें इसी जगह के आसपास डिमांड आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक जोन बना चुका था ये, जो कि आप देख सकते हो इस जगह से गिर रहा था, बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे क्या हुआ डिमांड का ऊपर निकल गया, जैसे ही डिमांड जोन के ऊपर निकला यहाँ पे डिमांड बढ़ने लग गई, अभी तक इसके ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इनका यूज करना, धीरे धीरे ड्रॉ करते जाओगे आप सीखते जाओगे गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चंस रह गया हो आपका तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता लीजिए, और कैसा लगा वीडियो वो भी आपको बताना ज़रूरी है, और अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।